सो हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के अंदर। और गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाले सभी ओप्पो एफ सेवन यूजर्स के लिए, क्योंकि गाइस यहां पे अपडेट रिलीज हो चुका है हमारे लिए। और गाइस, कौन सा अपडेट है और कैसे इसे करना है, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले पूरा स्टेप। अगर गाइस आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को देखना एकदम लास्ट तक, और अदर ओप्पो फोन के बारे में भी हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ में चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन और बेल आइकन जरूर दबा देना। और गाइस, बिना टाइम को गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा ओप्पो F7 डिवाइस है वो अभी रन कर रहा है कलर ओएस 5.0 पे। तो गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे जो कलर ओएस है वो अभी 5.0 पे रन कर रहा है, और यहाँ तक कि अभी तक हमारे फोन के अंदर 5.2 का अपडेट देखने को नहीं मिला। और गाइस, यहाँ पे बहुत लोग वेट कर रहे हैं कलर ओएस 6 का। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको 5.2 मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको कलर ओएस 6। तो गाइस, यहाँ पे जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कलर ओएस 5.2 के बारे में, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो 5.2 है हमें रिसीव हो चुका है। तो गाइस, ये जो अपडेट है हमें कल रिसीव हुआ, तो आप जाके चेक कर सकते हो अपने फोन के अंदर सेटिंग के अंदर जाना, वहाँ पे अबाउट जो आपका सेटिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन होगा आप वहाँ चेक करना, आपको अपडेट मिल जाएगा कलर ओएस 5.2 का। तो गाइस, मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ जिसके अंदर मुझे अपडेट मिल चुका है। तो गाइस, आपने क्लिप देख ली, क्लिप के अंदर मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे हमें कलर ओएस 5.2 मिल चुका है अपने डिवाइस के अंदर, जो कि ओप्पो F7 डिवाइस है। और गाइस, अब हम बात करने वाले कलर ओएस 6 के बारे में, दूसरों ओप्पो डिवाइस से रिलेटेड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ओप्पो F7 के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले तो हमें 5.2 मिला है। तो गाइस, जितने भी लोगों को नहीं मिला हो, थोड़े दिन वेट करें और धीरे धीरे अपडेट को चेक करते रहे रेगुलरली, तो उन्हें भी अपडेट मिल जाएगा। और गाइस, इसका भी OTA अपडेट भी आ जाएगा। अगर आपको OTA अपडेट के बारे में भी जानना है कलर ओएस 5.0 के बारे में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको रिसीव ना हो। तो हम बात करते हैं अब कलर ओएस 6 के बारे में। तो गाइस, यहां पे कलर ओएस 6 जो अदर डिवाइसेस के लिए वो भी धीरे धीरे रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। हमें सबसे पहले ओप्पो F9 और ओप्पो F9 प्रो के अंदर कलर ओएस 6 देखने को मिला है, उसके बाद गाइस हमें धीरे धीरे अपडेट मिलेगा भी ओप्पो के सभी डिवाइसेस के अंदर। और गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अपडेट मिला या फिर नहीं मिला ओप्पो F9 के डिवाइस के अंदर, या फिर आपको ओप्पो F7 के अंदर 5.2 अपडेट मिला या फिर नहीं मिला। तो गाइस, आज की वीडियो में इतने, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, जितने भी यूजर्स हो सारे वेट करो, जल्दी आपको भी अपडेट देखने को मिलेगा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतनी, और टिल देन गुड बाय।